अदालत के सख्त आदेश के बावजूद राजस्थान में नेताओं का सरकारी बंगले से मोह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सरकारी बंगले को लेकर लगातार सवाले उठते जा रहे हैं, लगातार आवाजें उठती जा रही हैं, लेकिन अब अपनी ही सरकार के लिए परेशानी का कारण बनकर सचिन पायलट सामने आ गए हैं। सरकारी बंगला खाली नहीं करने वालों में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का नाम शामिल हो गया है। सचिन के बंगला खाली करने की तारीख सोमवार यानी 14 सितंबर को खत्म हो गई है और नियमानुसार यदि वो अपना बंगला खाली नहीं करते तो उन्हें हर रोज के हिसाब से 10,000 रुपए का जुर्माना सरकारी खजाने में जमा करना होगा। बगावत करने के बाद अशोक गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल से सचिन पायलट की विदाई हुई है 14 जुलाई को। भले ही समझौते के बाद सचिन की कांग्रेस में वापसी हो चुकी हो, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का हिस्सा वो दोबारा नहीं बने हैं। ऐसे में नियम कानून यही कहते हैं मंत्रियों के लिए आवंटित बंगले इन्हें 2 महीने के भीतर खाली करने होंगे, लेकिन अब तक सचिन अपने सरकारी बंगले में डटे हुए हैं। इनका कहना है सरकार ने अभी तक इन्हें बंगला खाली करने का नोटिस नहीं दिया, जब नोटिस मिलेगा तो वो बंगला खाली कर देंगे। बड़ी मुश्किल ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आलाकमान से समझौता करवाया गया है। ऐसे में खुद अशोक गहलोत इसे नैतिकता से जुड़ा मामला बताते हुए इन्हीं लोगों के खुद ब खुद बंगला खाली करके मिसाल कायम करने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि सचिन सरकारी कागज का इंतजार कर रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर कहीं उसे अपने समर्थकों के बीच जाकर भुना सके। आपको बता दें राजस्थान में सरकार इस वक्त कांग्रेस की है और जब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इसके लिए हरी झंडी नहीं मिलेगी तब तक अधिकारी भी नियम कायदों का हवाला देकर सचिन से सरकारी बंगला खाली कराने को कहकर मुसीबत मोल नहीं लेना चाहेंगे। यही कारण है कि राजस्थान अधिकारियों के लिए भी सचिन पायलट के प्रति मेहरबानी दिखाना नियम कायदों पर भारी पड़ रहा है। वैसे आपको बता दें राजस्थान के मंत्रियों को मंत्री की हैसियत से आवंटित टाइप 1 श्रेणी का सरकारी बंगला अलॉट होता है, लेकिन देश भर में सरकारी बंगलों पर कब्जे को लेकर मचे बवाल और उस पर अदालत के आए फैसले के चलते कड़े नियम भी बनाए जाते हैं। वसुंधरा राजे के बाद सचिन पायलट का बंगला राजस्थान की राजनीति में लगातार जोर पकड़ रहा है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।